अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा बेस बनाने की रेसिपी और बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है। ये बनाना इसे बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी 500 ग्राम मैदा। कप में मेजर करें तो 2.5 कप मैदा है, 2.5 कप मैदा लिया है मैंने मेजरिंग कप से। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे जो पिज़्ज़ा बेस होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसमें जाएगी 2 छोटे चम्मच चीनी। फिर इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच इंस्टेंट यीस्ट यानी सूखा खमीर। यह आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएगा, इसके पैकेट्स आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएंगे। अब इन सारी सूखी हुई चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम तेल। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच तेल। आप जो भी जिस तेल से भी खाना बनाते हैं वो वाला तेल इसमें डाल दें। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसे अब हम गूंदेंगे। तो गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमें मीडियम सॉफ्ट गूंदना है, जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा इसका गूंथेगा, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार कर लेना है इसका। तो यहाँ पर मुझे इसे गूंथने में 1.5 कप पानी लगा है, तो जितना ही ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें पानी डालें और पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए। आटा इस तरह से आपके हाथ पर चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा तेल हाथ में ले लें। तो अब आटे को हम नीचे रखकर गूंथेंगे। तो नीचे मैंने सबसे पहले डाल दिया थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा। अब इसे इस तरह से हम गूंथते जाएंगे। नॉर्मल आटे से थोड़ा सा अलग तरीके से वाला आटा गूंथता है, तो इस तरह से खींचते हुए हम इसे गूंथ लेंगे और इस तरह से हम इसे 10 मिनट तक करते रहेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे सॉफ्ट होने तक हम इसे ऐसे ही करते रहेंगे। और पिज़्ज़ा बेस की मेन बात यह है कि आपका जो आटा है वो बहुत अच्छे से गूंधा हुआ होना चाहिए, तभी पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसे करते जाएंगे, कम से कम इसे हम 10 मिनट तक करते रहेंगे इसी तरह से। और अगर आपको लगे कि आपके हाथों पर चिपक रहा है तो हाथों में थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लगा लें और फिर इसे गूंथें। तो मैंने इसे 10 मिनट तक इसी तरह खींचते हुए गूंथ लिया है और आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, कहीं से भी नहीं फट रहा है। आटा बिल्कुल इसी तरह से हमें गूंथना है। अब एक कोई सा भी कंटेनर ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल को पूरे कंटेनर में अच्छे से ब्रश कर देंगे। अब इसमें रख देंगे गूंथा हुआ आटा जो अभी गूंद कर रखा है। आटे के ऊपर भी हम ब्रश से तेल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कोई पपड़ी भी नहीं जमे और ये सूखे भी नहीं। अब इसे हम लिड से कवर कर देंगे इसकी और अब इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर उठ जाए। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसे कहीं भी रख दें, लेकिन अगर आप सर्दियों में इसे बना रहे हैं तो किसी गर्म जगह पर इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखें। गर्मियों में ईजिली खमीर उठ जाता है, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए रखेंगे इसे। और इसमें खमीर हमें ज़्यादा भी नहीं उठाना है, सिर्फ हम इसे 2 घंटे के लिए रखेंगे। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रखेंगे और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो जो टेस्ट होगा पिज़्ज़ा बेस का वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसे रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं आटे की जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है। तो आटे पे इस तरह से हम पंचिंग कर देंगे और अब इसे हम कंटेनर में से बाहर निकाल लेंगे। तो आटा भी हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें आटा तैयार करना है। अब इसे हम बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे और जितने बड़े पेड़े आपको इसके बनाना है उतने बड़े साइज़ में आप इसे कट कर लें इस तरह से। और पेड़े इसके थोड़े बड़े ही साइज़ के बनते हैं, तो अब सारे जो पीस कट करके रखे हैं उनके हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने आटे से मेरे यहाँ पर 8 से 9 पिज़्ज़ा बेस के पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, मतलब जितना हमने आटा गूंदा है उससे हम आराम से 8 या 9 पिज़्ज़ा बेस आराम से बना सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो आप 8 बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से छोटे साइज़ के आप बनाएंगे ना तो 9 से 10 आराम से आपके पिज़्ज़ा बेस बन जाएंगे। अब बोर्ड पर थोड़ा सा डालेंगे हम सूखा हुआ मैदा। अब इसे हम बेल लेंगे और इसे थोड़ा हम मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हम मोटा बेलेंगे।
तो इसे इस तरह से बेलने के बाद अब इसे हम कांटे की हेल्प से इसमें होल कर देंगे। आप चाहे तो नाइफ की हेल्प से भी होल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम इसे सेकेंगे पैन पर तो ये फूलेगा नहीं, क्योंकि हमें इसे फुलाना नहीं है, इसलिए इसके ऊपर होल कर देंगे हम। तो बस अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसे हम पैन पर सेकेंगे, आप चाहे तो तवे पर भी इसे सेक सकते हैं, या आप चाहे तो माइक्रोवेव में इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हम सेक लेंगे। आंच बिल्कुल धीमी होना चाहिए, मीडियम भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसे हम पलट देंगे। सेकने पर जो ब्राउन स्पॉट्स आते हैं वो हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, इस पर ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स नहीं आने देना है, इसलिए इसे हम पलट पलट कर सेकते जाएंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए एक साइड से सेकेंगे, फिर इसका साइड वापस चेंज कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके के स्पॉट्स इस पर आना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं आना चाहिए। तो बस इसे पलटते जाएंगे और इसे दोनों तरफ से ऐसे ही हम सेक लेंगे। फिर से हम इसे 2 से 3 सेकंड के बाद पलट देंगे और बस ये तैयार है, इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं सेकना है। और जो बाकी बची हुई है उन्हें भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। इसे सेक सेक कर आप एक कपड़े के अंदर रखते जाएं और कपड़े से इसे पूरी तरीके से कवर कर दें, ताकि ये सूखे नहीं और इस पर कोई पपड़ी भी नहीं जमे। तो ये बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनकर तैयार हुई है, और टेस्ट भी इसका बिल्कुल मार्केट जैसे पिज्ज़ा बेस जैसा ही आता है। तो अब इसे स्टोर करने के लिए पहले इसे एक जिप लॉक बैग में रख दें और उसके बाद इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। 8 से 10 दिन तक आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, लेकिन अगर आपको इसे 10 दिनों से ज़्यादा के लिए स्टोर करना है तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रखना। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना ईजी है, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।